नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहाँ पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ कुछ नई एजुकेशनल चीजें आपको सिखा सके। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के इंपॉर्टेंट रिलेटेड। यहाँ पर एक न्यूज आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। एक लोन रिकवरी को लेकर काफी बड़ी न्यूज है। यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी को यहाँ पर ऑक्शन पे करा जा रहा है, उस न्यूज के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आज के NSE के डाटा पे भी बात करेंगे और एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। कल के वीडियो में मैंने देखा कि काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें सुना रहे थे, क्योंकि उसमें हमने बस इतना करा था कि उस रिकवरी के साथ साथ कुछ निगेटिव पॉइंट भी हमने जोड़े थे। बट यहाँ पर आपको ये समझना होगा, जिनको भी बुरा लग रहा होगा वो आप बेशक यहाँ पर मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, चैनल बंद करने के बारे जो भी सलाह देना है देते रहिए। बट जब तक मेरे कम्युनिटी मेंबर को मेरा एनालिसिस पसंद आ रहा है, जो लोग हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तब तक मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। क्योंकि यहाँ पर अच्छा वो नहीं होता है जो आपको खाली अच्छी अच्छी चीज़ें बताए, साथ ही साथ आपको निगेटिव चीज़ें भी जानना जरूरी होता है शेयर मार्केट में, ताकि आप अपना एक लॉस से बच सके और एक अच्छी रिकवरी कर सकें। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यस बैंक बेकार बैंक है, अच्छा बैंक है। आज हम यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ भी कवर करने वाले, बट साथ ही साथ चीज़ों को हमें लॉजिकली समझते हुए चलना होगा। ये नहीं कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट बोल दिया कि 75 का टारगेट मिलेगा या 400 का टारगेट मिलेगा। पिछले 6-7 महीने से आप देख रहे होंगे कि बहुत लोग यहाँ पर आपको 400 का टारगेट दे रहे हैं, बट लेवल क्या है असलियत में आपको भी पता है, 20 का लेवल या 18 का लेवल भी नहीं अभी तक क्रॉस हो पाया है, और लगभग 1 साल हो चुका है रिकंस्ट्रक्शन के बाद। तो सोच के चलिए, टाइम हॉराइजन यहाँ पर लंबा लेके चलना होगा। यही चीज़ बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, शायद आपको समझ में आ सके ये चीज़। तो आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, NSE की वेबसाइट पर मैं आपको लेके आया हूँ। आप यहां पर देख रहे हैं आज की, अगर मैं बात करूं पहले ऑर्डर बुक की मैं बात कर लेता हूं, तो जो क्वांटिटी ट्रेड दिखा रही है वो 8,56,00,000 के करीब दिखा रही है, और जिसमें इसकी डिलीवरी जो उठाई गई है वो 3,62,00,000 के करीब उठाई गई है। और डिलीवरेबल क्वांटिटी की मैं बात करूं तो लगभग 42% के करीब डिलीवरी क्वांटिटी उठाई गई है, यानी कि आज भी अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है। बट डिलीवरी जो उठ रही है वो किस प्राइस पर उठ रही है और कितना सेलिंग हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी हमें देखते रहना होगा। और प्राइस की अगर हम बात करें यस बैंक की, तो आप देख रख सकते हैं 13.20 रुपये पे क्लोज हुआ है। आज के इंट्राडे लो और हाई की अगर हम बात करें तो 13.15 रुपये का लो बनाया था, और जो हाई इसने बनाया था वो 13.45 रुपये का बनाया था, और क्लोज हुआ है फिर वापस से आके 13.20 रुपये के पास। तो अब वो न्यूज़ क्या है जिसके बारे में हम बात करने वाले थे, ये न्यूज़ शाम को निकल के आ रही, यस बैंक टू सेल प्रॉपर्टी ऑफ ई कॉमर्स मैग्नम सॉल्यूशन फॉर रिकवरी ऑफ 345 करोड़। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पहले देखते हैं 345 करोड़ पूरे रिकवरी हो रहे हैं या क्या चीज़ें। यस बैंक हैज़ इनवाइटेड बिड फॉर सेल ऑफ इमूवेबल एसेट ऑफ अ बोरोवर ई कॉमर्स मैग्नम सॉल्यूशन लिमिटेड टू रिकवर ड्यूज ऑफ ओवर ₹345 करोड़। यानी कि यहाँ पर इन्होंने बोरो किए थे, बट इसके बाद नोटिस पीरियड भी जा चुका था, बट यहाँ पर क्योंकि इन्होंने पैसा नहीं रिफंड कर पाए, तो अब जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आज ये चीज़ बोली गई है, द ई ऑक्शन विल टेक प्लेस अंडर द सरफेसी एक्ट, द ऑप्शन इज विद रिगार्ड टू वन ह्यूज प्रॉपर्टी एट चौपाटी मुंबई ऑफ ई कॉमर्स मैग्नम सॉल्यूशन लिमिटेड यस बैंक सेट। यानी कि चौपाटी मुंबई की ये प्रॉपर्टी है मैग्नम सॉल्यूशंस की। द बैंक हैज सेट द रिवर्स प्राइस फॉर द ऑप्शन एट ₹270 करोड़। द प्रॉपर्टी विल नॉट बी सोल्ड बिलो द रिवर्स प्राइस सेट बाय द AO ऑथोराइज ऑफिसर। यानी कि 270 करोड़ का यहाँ पर रिवर्स प्राइस, यहाँ पर लीज प्राइस एक तरह से आप कह सकते हैं, यहाँ पर रखा गया है जिसके नीचे कि यस बैंक इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचेगी, बट उनका टारगेट यही रहेगा कि जो मेन अमाउंट है जो कि यहाँ पर आप हेडलाइन में पढ़ सकते हैं लगभग 345 करोड़ का, उसका रिकवरी करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अच्छे बिड आ सके। और इसके लिए इन्होंने 1 मंथ तक का टाइम भी लिया है, यहाँ से आज 14 मई से 14 जून तक का टाइम लिया है। उस बीच में जिनको भी उस प्रॉपर्टी को देखना है वो यहाँ पर AO जो ऑथोराइज ऑफिसर है उनको यहाँ पर एक नोटिस लिख सकते हैं या वहाँ पर एक लेटर लिख सकते हैं, उसके बाद जो भी प्रिस्क्राइब डेट होगी उस पे जाके वो प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, सारी चीज़ें समझ सकते हैं और अपना जो भी बिड है वो चीज़ को इनवाइट कर सकते हैं 14 जून के पहले। उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा जिसके बाद पता चलेगा कि कितना रिकवरी होती है। और ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ आप मान सकते हैं आज के टाइम में जो यस बैंक में निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी बड़े अमाउंट की रिकवरी होते हुए देखने को मिल रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा शेयर पर नहीं पड़ने वाला है, आपको समझना होगा। क्योंकि अब लगभग 3 क्वार्टर का फिर से एक मैराथन स्टार्ट हो गया, इसमें बहुत सारे रिकवरी होंगे, बहुत सारे लॉस होंगे, तो इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म होराइजन में ही चलना होगा। और अगर मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो लोग यस बैंक में यहाँ पर इन्वेस्ट हैं उनको इन्वेस्टेड रहना होगा कम से कम 2 से 3 साल। अगर आप सोच रहे हैं 4 से 5 महीने में टारगेट आपको मिल जाए, या 1 साल में आप सीधे 40-75 का टारगेट देख लें, तो वो चीज़ नहीं होगी, लॉजिकल बेस पर आपको चलना होगा। टारगेट मैं ये नहीं कह रहा हूँ अचीव नहीं होगा, अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, बट यहाँ पर टाइम होराइजन जो है
वो लंबा लेके चलना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अचीव नहीं हो रहा होता तो इतने बड़े बड़े बैंक या फिर RBI या फिर SBI ये सभी लोग येस बैंक के साथ ना खड़े होते और गवर्नमेंट भी ना खड़ी होती। अगर ये सब लोग खड़े हैं तो मतलब इसमें आप भरोसा कर सकते हैं, रिकवरी होगी, रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, बट टाइम पीरियड और पेशेंस आपको रखना होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके